प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम्। सालों से आती हूँ, कभी भी मुझे वैष्णो देवी या कहीं पर भी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाना हो तो मैं नवरात्रों में यहाँ से नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं नवरात्रों में यहीं पे ही माता के दर्शन और माता के चरणों में ही रहना चाहती हूँ। हम तो यही कहेंगे भगवान माता रानी सबका भला करे और हर बुराइयों से और दुखों से दूर रखे, जैसे कि कोरोना आया था। कालका मंदिर जो कि स्वयं माँ कालिका यहाँ पर पिंडी रूप में विद्यमान है और हमारी विधानसभा का नाम भी कालका है। त्रिशूल मुंड धारिणी, धरा विधात हारिणी, ग्रहे ग्रहे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी, लतस्य सुलोल सुलोचनम, शिव शिव प्रदायनी, ग्रहे ग्रहे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। नमस्ते सत श्री अकाल। माई पंजाबी टीवी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देवी भगवती जगदंबिका माँ दुर्गा के नवरात्रे का पर्व जिहड़ा कि 9 दिनों तक चलता है, उहदी धूम अते रौनक देश के हर हिस्से विच वेखण नूं मिल रही है। माई पंजाबी टीवी का एक काफिला पुज्जा है कालका माई के प्राचीन मंदिर, जिस दे नां दे उत्ते ही कालका शहर का नाम भी पिया होया है अते ए नाम अते मंदिर दोने एक दूजे दे नाल जुड़े हुए हैं। लिहाजा चौथे नवरात्रे दे मौके माँ कुष्मांडा दा ध्यान धरते हुए भगत जन मंदिर विखे पहुँच रहे हैं अते माँ दी पूजा अर्चना करते हुए अपने दिल दीयां मुरादां भी माँ तो मंग रहे ने अते जिन्हां दीयां मुरादां पूरियां होईयां ओ माँ दा धन्नवाद कर रहे ने। बहरहाल कैमरामैन अमनदीप सिंह दे नाल मैं गगनदीप नारंग, माई पंजाबी टीवी कालका। माँ कुष्मांडा करेगी बेड़ा पार, भक्तां नूं देंदी है अभय वरदान, दुख कलेश कष्टां तो मिलेगा छुटकारा, माँ कुष्मांडा दा रूप है न्यारा। चैत्र महीने विच आण वाले नरात्यां दा पर्व 9 दिनां तक चलदा है अते चौथे दिन माँ कुष्मांडा स्वरूप की पूजा भक्तजन श्रद्धा अते बड़ी ही आस्था दे नाल करते हन। कुष्मांडा देवी नूं ही अष्टपुजी भवानी आख्या जांदा है अते देवी दे इन्हां अठां हत्थां दे विच करमंडल, तीर कमान, कमल दा फुल, अमृत कलश, चक्कर अते गदा सशोभित हन अते नाल ही उन्हां दे इक हथ विच सारियां ही सिद्धियां अते निधियां दा फल देण वाली इक जप माला है अते देवी कुष्मांडा शेर ते विराजमान हुंदी है। देवी कुष्मांडा दी महिमा अते उन्हां दे रूप दे बारे देवी भागवत पुराण दे विच विस्तार दे नाल पूरा वर्णन मिलता है। शास्त्रां विच दस्या गया है कि जदों सृष्टि दे विच केवल कोर अंधकार ही सी तां उदों शेर ते सवार यानी सिंह वाहनी देवी ने अपनी मंद मुस्कान दे राहीं ब्रह्मांड दी रचना कर दित्ती अते इसे कारण उह कुष्मांडा दे नाम नाल प्रसिद्ध हो गई। सूरज दा तेज सहन दी शक्ति भी इसे देवी दे विच दसी गई है। यह देवी भगतां दा हर रूप दे विच कल्याण करती है अते नवरात्रे दे चौथे दिन भगतजन भी देवी दा आशीर्वाद लैण दे लई पूरी निष्ठा, आस्था अते श्रद्धा दे नाल देवी दी पूजा अर्चना करते हुए अपने आप नूं देवी दी कृपा दा पात्र बनाउंदे हन। नवरात्र त्यौहार दे चलदे मंदरां दे विच लोकां दा हजूम उमड़ रहा है अते लोग भी महादेवी दी जय जयकार करते हुए देवी दे चरणां विच नतमस्तक हुंदे हुए खुशी नाल झूमदे हुए साफ तौर ते नजर आउंदे हन। मेरा नाम पंडित राजेश कुमार है, तो मैं श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड में सहायक पुजारी के पद पर काम करता हूँ। तो यहाँ पर श्री काली माता मंदिर में आज चौथा नवरात्रा कुष्मांडा के नाम से जिनको जाता है जाना जाता है, माता के प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। माता के 9 स्वरूप हैं, आज चौथा नवरात्रा कुष्मांडा के नाम से। तो माता रानी के यहाँ पर काली माता मंदिर में बहुत भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो माता के यहाँ पर सब कोई मन्नत मांगते हैं, कोई किसी प्रकार की, हर सबकी मन्नत पूरी होती है।
तो मुंबई कलकत्ता पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से दिल्ली से लोग आते हैं और माता रानी के चरणों में माथा टेकते हैं। जैसे कल पांचवा नवरात्रा है, कल शनिवार है, माता का दिन है शनिवार और मंगलवार, बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, कल बहुत भीड़ होगी। और फिर छठे नवरात्र को भी संडे एतवार है तो उस दिन भी, और फिर सप्तमा कालरात्रि का नवरात्र है, फिर अष्टमी नवमी, यानी पाँच दिन अब बहुत ज़्यादा रस होगा। तो माता रानी के मंदिर में यहाँ पर माथा टेकते हैं और अपनी अपनी मंगल कामनाएं के लिए प्रार्थना करते हैं। माता रानी उन सभी की मंगल कामनाएं पूर्ण करती हैं, सभी जो मन इच्छा है उनकी वो पूर्ण करती हैं। ऐसे माता रानी से हमारी प्रार्थना नवरात्र पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको माता रानी खुशियां दे, कृपा बनाए रखे, जय माता दी। मैं कामनी वर्मा, वाइफ ऑफ विवेक वर्मा, और मैं बचपन से मैं यहीं की लड़की हूँ, यहीं की बहू हूँ, और मैं माता के मंदिर में बहुत सालों से आती हूँ। कभी भी मुझे वैष्णो देवी या कहीं पर भी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाना हो तो मैं नवरात्रों में यहाँ से नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं नवरात्रों में यहीं पे ही माता के दर्शन और माता के चरणों में ही रहना चाहती हूँ। आज जैसे माता का चौथा नवरात्रा है, तो इस नवरात्रे पर किस तरीके का संदेश जो है लोगों के लिए हम तो यही कहेंगे, भगवान माता रानी सबका भला करे और हर बुराइयों से और दुखों से दूर रखे। जैसे कि कोरोना आया था उसमें भी हमारी माता के मंदिर से सभी लोगों को बाहर खाना वाना जो भी दिया जाता है वो बहुत हेल्प की गई, और लंगर कमेटी हमारी बहुत अच्छी है, और मैं यही कहूँगी कि यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाता। जयकारा माँ कालका माईदा। देवी दे दरबार ते पहुंच हर कोई उन्हां दा दर्शन पाउंदे होए उन्हां दा आभार जताउंदा होया वेख्या जा सकता है। आस्था ते निष्ठा दे नाल सराबोर भगत मां दे चरणां विच नतमस्तक होंदे होए अपने आप नूं पुन्न दा भागी बनाउण दा कवायत करदे हन। इस मौके हरियाणा बीजेपी नेता भी मां दे दरबार पुज्जी अते गलबात करदे होए उन्हां चौथे नवरात्रे दा महत्व जिथे दस्या, ते दूजे पासे सारयां नूं नवरात्रयां दीआं शुभकामनावां भी भेंट कीतीआं। नवरात्रों के बहुत ही पावन अवसर पर आज यहाँ पर हमारे जो कि कालका मंदिर है, और कालका मंदिर जो कि स्वयं माँ कालिका यहाँ पर पिंडी रूप में विद्यमान है, और हमारी विधानसभा का नाम भी कालका है तो माँ के नाम से ही है। और नवरात्रों पे जो कि साल में दो बार आते हैं सारे श्रद्धालु जन हमारे कालका के, क्या आसपास परमाणु क्षेत्र के, हिमाचल के भी, सब बड़ा इंतज़ार करते हैं कि कब नवरात्रे आएंगे, और माँ के दरबार में लगातार लोग यहाँ पर आते हैं माथा टेकने, आशीर्वाद लेकर के जाते हैं अपने सुख के लिए, समृद्धि के लिए, परिवार के लिए। तो आज नवरात्रे का चौथा नवरात्रा है और माता कुष्मांडा जी का देवी का दिन है, और हमेशा की तरह सुबह 9 बजे यहाँ कालका मंदिर में हवन होता है और कोई ना कोई आता है जिसके माध्यम से यहाँ पर हवन करवाया जाता है। पहले दिन यहाँ पर हमारे राज्यपाल पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ माननीय भाई साहब बनवारी लाल जी पुरोहित आए थे, और उसके बाद लगातार यहाँ पर अतिथिगण कोई जो कि विशिष्ट अतिथि है उनका आना होता है, क्योंकि जो भी माता के दरबार में आता है वो अब हमारे लिए विशिष्ट है। और कल हमारे यहाँ पर हमारे पड़ोसी डॉक्टर राजीव सैजल जी जो कि परमाणु में मंत्री रहे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, तो वो भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि हमारे इस मंदिर में चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल सभी तरफ से गणमान्य व्यक्ति आते हैं, और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आते हैं तो सभी श्रद्धालुओं का आना रहता है तो सभी से। और शाम को यहाँ पर चौकी की व्यवस्था भी होती है, और विशेष बात यह है कि ये जो चौकी होती है ये बाहर के कोई गायक नहीं आते, हमारी कालका के ही या आसपास के क्षेत्र के यहाँ पर जो गायक होते हैं वो होते हैं और यहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है। तो माँ कालका से, माँ भगवती से यही सब मांगते हैं कि सभी देश में, प्रदेश में सुख शांति रहे, हमारा देश जिस तरह बढ़ रहा है इसी तरह बढ़ता रहे, और पुनः सबको नवरात्रों पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म यात्रा ते निकलिया होया तो हानू देवी थावां दे दर्शन करवांदा होया देवी गुणगान दी झलक भी विखा रहा। कालका शहर दे विच काली महामाई दा प्राचीन मंदिर बनिया होया, मंदिर दी शोभा देखते ही बनती है, अते इन्नी दिनी मंदिर दे विच ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮ
मंदिर दे विच सेहत विभाग के कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मंदिर विखे आन वाले अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत या उसनू किसी तरह की तकलीफ हुंदी है तो उसके लिए सेहत विभाग के कर्मी इत्थे डटे हुए हैं जेड़े कि उन्होंने दवाई अते होर दूसरिया चीज़ों की सहूलत भी मुहैया करवाते हैं। दूजे पासे DPR हरियाणा का विभाग भी इत्थे तैनात है जेड़ा कि लोगों की मदद लई इत्थे काम कर रहा है। मेरा नाम संदीप बत्रा है और मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, DPR ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिस से। तो मैं हर साल यहाँ नवरात्रों में आता हूँ और 3 दिन मेरी यहाँ पे ड्यूटी है, उसके बाद मेरी मनसा देवी में ड्यूटी है। तो आज दोपहर बाद मैं मनसा देवी जाऊँगा और बाकी के नवरात्रे मैं वहीं रहूँगा। और ये हमारा जो सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से, पंचकूले के संयोजन की ओर से, यह सूचना प्रसारण केंद्र हर साल की भांति मनाया जाता है। तो यहाँ पर काली माता मंदिर कालका में यहाँ पर जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं और उनका यहाँ पर स्वागत अभिनंदन किया जाता है। अगर किसी का कोई बच्चा गुम हो जाए या कोई सामान गुम हो जाए तो उसकी सूचना बिल्कुल निशुल्क की जाती है और उस तक वह वस्तु पहुँचाई जाती है जिसकी भी जो भी वस्तु होती है। और कोई बच्चा अगर गुम हुआ है वह भी मिलाया जाता है। तो यह हर साल की भांति है लगाया जाता है। जी मेरा नाम रसविंदर कौर है ते मैं PSC सूरजपुर तो आई हाँ। असी अंडर CHC कालका ने हाँ। साड़ी इतने हर साल ड्यूटी लगती है। असी इतने माता जी ने सानू बुलाया हुआ है कि लोगों की सेवा करनी है। तो जिन्हें भी असी अनाउंसमेंट करवा दें, आयुष वाले भी साढ़े नाल हैं, तो असी एलोपैथिक वाले भी, असी लोगों को जो तकलीफ होंगी असी उन्होंने दवाई दें। नवरात्रे पर्व के दौरान भक्तजन देवी के वख-वख रूपों की पूजा करते हुए उस तो अपने परिवार के अते अपने कारोबार के कल्याण की मंग करते हैं। लिहाजा देवी भी इन दिनों के दौरान मनिया जाता है कि मंदिरों के विच साक्षात विराजमान होंदी है अते भक्तों की श्रद्धा आस्था वेखते हुए उन्हां दीआं मनोकामनावां नूं भी पूरा करती है। लेकिन धर्म यात्रा का यह सफ़र माई पंजाबी TV के राही अगे भी जारी रहेगा। बहरहाल कैमरामैन अमनदीप सिंह के नाल मैं गगनदीप नारंग, माई पंजाबी TV कालका।